चैप्टर नंबर 11 रचनाएं की एक्सरसाइज 11.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्या कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक से ही 1/2 गुनी हो। पहले हम इसका रफ सा स्केच बना लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ऐसी है समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं बराबर है और जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है। आधार हमारा 8 सेंटीमीटर, यहां से जो ऊंचाई है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। आधार 8 ऊंचाई 4 कैसे करेंगे? अगर देखिए पहले हमें त्रिभुज की रचना करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया, 8 सेंटीमीटर लंबा, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब यहां से ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई समद्विबाहु है, समद्विबाहु है ये दोनों भुजाएं, तो इसके बीच में एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए आप। हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन सभी को पता है कैसे करते हैं, ए के ऊपर प्रकार रखेंगे, इसे आधे से ज्यादा ऐसे खोल के ये चाप लगा लेंगे और ऐसे ही बी से खोलेंगे तो ऐसे हमारे पास एक चाप लग जाएगी और ये हमारा लंब समद्विभाजन हो जाएगा। ठीक है, लंब समद्विभाजन होने के बाद हम यहां पे जो भी पॉइंट आएगा, मान लीजिए एम है, इससे 4 सेंटीमीटर क्या करना हमने, क्योंकि ऊंचाई कितनी दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो यहां से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम इसको कट कर देंगे। जो हमारा पॉइंट मान लीजिए सी है तो हम क्या करेंगे, एसी और बीसी को मिला देंगे, ये दोनों भुजाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी और ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। चलिए पहले रचना के चरण लिखते हैं हम इसमें। पहला हमने क्या किया, ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, कितना लिया था हमने 8 सेंटीमीटर और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड खींचा। ठीक है, रेखाखंड खींचने के बाद हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे इसका लंब समद्विभाजन किया, ए बी का लंब समद्विभाजन दो बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया, ए बी का लंब समद्विभाजन किया जो ए बी को कहां पर काटता है, मैंने पॉइंट क्या ले लिया था, एम ले लिया था, जो ए बी को एम पर काटता है। ठीक है, अब एम से 4 सेंटीमीटर, एम सी बराबर है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसको काटा, एम सी 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड क्या किया हमने, काटा, एम सी रेखाखंड हो गया हमारे पास। अब क्या कर दिया हमने, ए को सी से ए सी व बीसी को मिलाया तथा इस तरह से क्या बन गया हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी की रचना की हमने, ए को सी से बी को सी से मिलाया तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब हमने क्या करना था, इसके समरूप करना था। चलिए इसके समरूप क्या कह रहा है, वो एक से ही 1/2 गुने, एक से ही 1/2 गुने का मतलब क्या है, 2 एकम 2 और 3, 3/2 गुने हमने करनी है, इसका मतलब इससे बड़ी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह ए से यहां पे न्यून कोण किया, मान लीजिए एक्स, यहां बड़ा कौन सा है 3 है, तो यहां 3 पॉइंट लगा लेंगे हम, 1 2 3, तो ए से हमने A1 A2 और A3 की क्या कर दी, रचना कर दी। इस पॉइंट इससे किसको मिलाते थे हम, नीचे वाले को, तो हम क्या करेंगे, ए टू को हमने बी के साथ मिला दिया। ठीक है, अब इसके समानांतर काटने के लिए इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, इसके समानांतर काटने के लिए हम यहां पे चाप लेंगे तो यहां पे भी चाप लेंगे, जितनी ये है उतनी ही हम काट देंगे इसको और इसको आगे बढ़ा देंगे, हमारे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। इसके समानांतर इसकी रचना कर दिया,
ऐसे ही फिर इसके समानांतर यहां पे रचना करेंगे जो इसको आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हम क्या करेंगे, बी के ऊपर एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही हमने बी डैश के ऊपर चाप लगा ली। जितनी इस चाप की चौड़ाई होगी उतनी ही चाप की यहां पे, और हम इसके समानांतर इसकी रचना करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सी डैश। बीसी के समानांतर इसकी रचना होगी बी डैश से सी डैश की रचना। बस ये बन गया हमारे पास ए बी डैश सी डैश हमारी क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। तो देखिए क्या करेंगे, अब रचना के चरण में हमने ए पर न्यून कोण बी ए एक्स की रचना की, बनाइए बी ए एक्स। ठीक है, अब ए से क्या क्या किया हमने, ए ए वन बराबर ए वन ए टू बराबर ए टू ए थ्री काटे। इसके बाद क्या किया था, ए टू को बी से मिलाया, ए टू को बी से मिलाया। मिलाने के बाद हमने क्या किया था, ए टू बी के पैरेलल क्या किया था, ए थ्री बी की रचना की थी। ए टू बी के समानांतर ए थ्री बी डैश की रचना जो बढ़ी हुई इसको जो बढ़ी हुई ए बी को कहां पर काटता है, बी डैश पर काटती है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी सी बीसी के समानांतर बी डैश सी डैश की रचना की जो अब ये किसको काट रही थी, एसी को, बढ़ी हुई एसी को, जो बढ़ी हुई एसी को कहां पर, सी डैश पर काटती है। और अगर ऐसा है तो ए बी डैश सी डैश हमारी क्या है, अभिष्ट त्रिभुज है। तो अतः ए बी डैश सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है, अभिष्ट त्रिभुज है। और क्या बोला था, दिए हुए त्रिभुज जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की एक सही एक बटा दो गुनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले आसान से प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक।